हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय व्लॉग. इट इज डॉक्टर रितेश सक्सेना, वेलकम यू अगेन. और मेरे साथ हैं इस समय शिवांग जी. और हम लोग आज संडे है और हम कैंट जा रहे हैं इस समय. और बरेली में बहुत सारी ऐसी धरोहर हैं बरेली की, जो शायद बरेली के लोगों को भी नहीं पता. लोग दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, आगरा जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने जाते हैं. लेकिन बरेली में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं. कुछ चर्चेज हैं, कुछ टेम्पल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो अब मैं एक सीरीज़ इस पर शुरू करने जा रहा हूँ अपने व्लॉग में कि बरेली की धरोहर. तो आज हम कैंट जा रहे हैं. कैंट बहुत ही बढ़िया एरिया है और मैं वहाँ पर आपको जो 1800 ईस्वी में चर्च बना था, मैं वहाँ पर आपको ले जा रहा हूँ और उसके बारे में आपको आज बताऊँगा. कैंट बहुत ही शानदार एरिया है, हर तरफ ग्रीनरी है, ये आप देख सकते हैं. बहुत ही बेहतरीन यहाँ का एनवायरनमेंट रहता है. हाय, और ये बिशप कॉन्रेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है. आई एम अ बिशपियन, मैं यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ और इसके सामने ही चर्च है जहाँ मैं आपको ले जा रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ. और मेरी बहुत सारी यादें स्कूल से भी जुड़ी हुई हैं. तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, देखिए वो एंट्रेंस है चर्च का. हाय फ्रेंड्स, और ये सेंट स्टीफेंस चर्च पर मैं हूँ और ये काफी एरिया में कैंट में फैला हुआ है. सेंट स्टीफेंस चर्च के अंदर जा रहा हूँ इस समय. आज संडे भी है और मॉर्निंग प्रेयर यहाँ 10:30 बजे से स्टार्ट होता है. ये देखिए, पूरा इधर से अगर आप देखेंगे पूरा ग्रीनरी है. और मैंने एक हल्के से उसमें आपको व्यू में दिखाया था कि चर्च काफ़ी बड़ा है, इसकी बाउंड्री वॉल भी मैंने आपको दिखाई थी. ये पूरा ग्रीनरी है, इतना सूदिंग फीलिंग यहाँ पर होती है. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बरेली में बहुत सारी ऐसी धरोहर हैं, उसी को मद्देनजर रख के मैंने ये एक सीरीज शुरू की है, बरेली यूपी की धरोहर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी जो शायद बरेली वासियों को भी नहीं पता है. पूरा फ्रंट चर्च का आपको दिख रहा होगा. ये मोर भी है यहाँ पर चर्च में, देखिए मोर दिख रहा है आपको. मैं चर्च के ही प्रांगण में हूँ, ये देखिए चर्च है. ये देखिए मूव कर रहा है मोर. दो हैं, पूरा जोड़ा है मोर का, एक आगे है एक पीछे है. ये सो वी आर लकी शिवांग सर. हमने वैसे बहुत पीछा भी किया मोरों का शिवांग सर के साथ, लेकिन मोर जो है वो लेस हो गए. जो मोर थे वो लेस हो गए. यहाँ मोर के भी दर्शन हो गए हैं आज. इस चर्च में आकर एक चीज़ और लगी, ये देखिए चिरपिंग बर्ड्स. ऐसा लगेगा आपको कहीं आप जिम कॉर्बेट सॉर्ट ऑफ आ गए हैं. लिसन द वॉइस, कौआ महाराज बैठे हुए हैं. ये भी मौजूद हैं, काँव काँव कर रहे हैं ये. मैं आपको चर्च के अंदर ले चलता हूँ कि ये एंट्रेंस है चर्च का. और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि काफ़ी पुराना चर्च है, ब्रिटिशर्स के टाइम का चर्च है, जिसका ये देखिए मेरे राइट हैंड साइड पर ये पूरा रेजिमेंट का डिटेल यहाँ पर गिवन है. और अंग्रेज़ों के ज़माने का, ब्रिटिशर्स का ये पूरा चर्च है, यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन है. और इधर मैं राइट हैंड साइड पर आऊँगा तो यहाँ पर भी इस तरह का डिस्क्रिप्शन पूरी बटालियन का आपको मिलेगा उस समय के टाइम पर. और यहाँ पर आप देखिए ये सारी बेंचेस हैं जहाँ पर प्रार्थना सभा होती है. और इधर भी, और ये बता दूँ कि यहाँ पर एक बार में 1000 लोग बैठ के यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं. सेंट स्टीफेंस चर्च कैंट बरेली. मैरिजेस भी होती हैं, शादियाँ भी यहाँ पर होती हैं. मैरिज और फर्स्ट पहली प्रार्थना जो यहाँ पर हुई थी वो 1862 में हुई थी. सेंट स्टीफेंस चर्च कैलकटा का पूरा डिटेल है यहाँ पर. पहले रेवरेंड डब्ल्यू जी कोवी यहाँ पे थे, जो चैपलेंस थे 1862 to 1864 से. ये देखिए 1862 से लेके और अब ये टिल डेट तक का पूरा डिटेल है. पूरा चर्च 1862 का है, ब्रिटिशर्स के टाइम का है. और मैं आप सभी से बोलूँगा यहाँ विजिट ज़रूर करिए, यहाँ ज़रूर आइए. यहाँ पर प्रेयर होती है. ये देखिए मैं रूफ दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ऊँचा वुडन रूफ है जिससे पूरे चर्च में ठंडक बनी रहती है. और मैं ये आपको बता चुका हूँ कि एक बार में यहाँ पे 1000 लोग एक साथ बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं. और ये पूरा व्यू है चर्च का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. ग्रेट आर्टिसन, आप डोर्स भी देखेंगे तो ये देखिए सच, अब जो लकड़ी इसमें इस्तेमाल हुई है एंटीक है, बिल्कुल एंटीक. संडे को प्रेयर होती है मॉर्निंग में 10:30. और वैसे भी आप आ सकते हैं क्योंकि अगर संडे के बिना आएंगे तो आपको ये चर्च खुला हुआ नहीं मिलेगा, अंदर नहीं जा पाएंगे आप. तो इसलिए संडे को मॉर्निंग और इवनिंग में प्रेयर होती है. मॉर्निंग में इंग्लिश प्रेयर होती है और शाम को 5:30 बजे हिंदी प्रेयर होती है. शिवांग सर के साथ हूँ जो मेरे साथ यहाँ पर आए हैं और शिवांग सर से ही बात करते हैं. शिवांग सर, क्या आपको इस चर्च के बारे में कुछ नॉलेज थी, कुछ पता था?
सर नाम तो वैसे सुना था बट एज सच मतलब इतना हिस्ट्री है ये सब तो सर नहीं पता था मुझे मतलब क्या मैंने ही शिवांग सर को बताया इस पूरे चर्च की हिस्ट्री के बारे में कि ये कब का बना हुआ है, कितना पुराना है। और यही मैं कहना चाहूँगा, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग इसको देख रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मेरे जितने व्यूवर्स हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कि बरेली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो सेंट स्टीफेंस चर्च यहाँ कैंट में स्थित है, इसके सामने बिशप कॉन्रेड स्कूल है, आप BI बाज़ार क्रॉस करेंगे वहाँ पर आएंगे। ये बहुत पुराना चर्च है, अंग्रेज़ों के टाइम का चर्च है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और देखिए कितनी ग्रीनरी है, हम और शिवांग सर, मैंने शिवांग सर को पूरा घुमाया, चर्च के बारे में बताया भी। देखिए मेरे चारों तरफ इतनी ग्रीनरी है, और मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में आपको व्लॉग में दिखा चुका हूँ कितना बड़ा एरिया है, कितनी लंबी, हमने पूरा घुमा के आपको दिखाया था, पूरा वॉल है चर्च का, ये देखिए आप देख सकते हैं। अगर बैठ जाएँ, आपको AC फेल है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, बिल्कुल अगर आप यहाँ पे चादर बिछा के लेट जाए ना, आपको नींद आ जाएगी। बहुत व्लॉग UP टूरिज्म के लोग भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन देखता है, तो मैं उनको बोलूँगा कि हमारे पास बहुत सारी बरेली उत्तर प्रदेश में ऐसी धरोहर हैं जिनको हम हाईलाइट कर सकते हैं और टूरिस्ट स्पॉट डेस्टिनेशन ही बना सकते हैं, जैसे चर्चेज हो गए, और बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं बरेली के जिनको मैं आने वाले समय में कवर करूँगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा व्लॉग जो देख रहे हैं, कि बरेली भी एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। ये गांधी बाग है, कंटोनमेंट बोर्ड का एक बड़ा अच्छा पार्क है इधर की तरफ, राइट। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आप यहाँ पर कैंट में आएँ, और अगर चर्च भी विजिट करें तो आप इस पार्क में भी आ सकते हैं। और यहाँ अगर आप सपोज़ कैंट एरिया में कभी आते हैं या चर्च पे विजिट करते हैं सेंट स्टीफेंस, तो यहाँ गांधी उद्यान में भी आप आ सकते हैं, एंड यू कैन हैव अ लेजर टाइम आउट हियर। राइट, खाने की पूरी सुविधा है, बैठ सकते हैं, ग्रीनरी है, आनंद ले सकते हैं, और बच्चे झूले वूले भी झूल सकते हैं। मैं आ गया हूँ सेंट अल्फोंसस चर्च में, और ये चर्च भी करीब 175 साल पुराना है, और यहाँ पे गार्डन भी है, वो भी दिखाऊंगा, और यहाँ पर एक बिशप जूनियर स्कूल भी चल रहा है। हेलो एवरीबॉडी, और मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ, और इत्तेफाकन देखिए मेरे को यहाँ पे थॉमस कुरियन सर मिल गए, मेरे बहुत ही पुराने मित्र, मेरे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं। जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट दिस चर्च, लाइक कितना पुराना है और क्या इसका इतिहास है। बिकॉज चर्च जो है हमारा सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल, ये बेसिकली 150-200 साल पुराना चर्च है। ये काफ़ी पुराना है। हाँ, अभी हमारे इस चर्च के जो पैरिश प्रीस्ट हैं वो फादर हेरोल्ड डिकुना है। ओके एंड ये चर्च भी जो है मैं ये कहूँगा कि इसका जो पुराना स्ट्रक्चर, अभी फोटोग्राफ्स वगैरह इसका अरेंज कराया जा सकता है जी। आई विल शो यू द फोटोग्राफ ऑफ दोस चर्च। सो मतलब बहुत ही लंबा एक चर्च था यहाँ पे। ओके अब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है बेसिकली। हाँ, अंदर चल रहे हैं थॉमस सर के साथ, वी विल हैव अ ग्लिम्स ऑफ द चर्च, राइट। मैं रूफ दिखा रहा हूँ, वाओ, आप देखिए इतना, आप आओगे यहाँ पर बड़ा ठंडक महसूस होगी, इतनी गर्मी है इस समय, आपको पता ही है इस समय जून चल रहा है और मैं ये कवरेज जून में ले रहा हूँ। तो यहाँ से हम जा रहे हैं जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, और मैं अंदर जा रहा हूँ इस समय। ये जो पुराना चर्च था अभी रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, उसका ये मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दिस वन डिफरेंट लैंग्वेजेस की बाइबल्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। थैंक यू। सो मेरा आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा, बरेली की धरोहर मेरे को बताइएगा। सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे साथ बने रहिए अगले व्लॉग के लिए। बाय।